told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... हाल मॉल आ गए हैं, अब हम उनको पहला रहे हैं, क्या भी पहन लिया हूँ सेफ्टी और ये अपनी निकल रही है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। तो ये ब्लॉग हो रहा है वहाँ जो पार्ट अभी ख़त्म हुआ उसके जस्ट दूसरा वाला पार्ट है। जो कोई पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं पार्ट में नहीं बनाऊँ, लिखा नहीं लिख दूंगा वैसे पार्ट वन। तो पार्ट टू है, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं वहाँ दरगाह। तो गाइस अपनी बोट जो है स्टार्ट हो गई है, भैया मेरे साथ हैं। तो भैया और वो शिप का कितना पैसा लगता है जो बड़ी वाली है? 8,000 एक जन का। तो गाइस बहुत मतलब यहाँ आना है तो करीब से करीब 1-2 लाख रुपए लेके हो, बेहतरीन होटल और नाव सिर्फ जहाँ जाएँ बहुत सारे जगह घूमने के लिए। तो जस्ट अभी मज़ा भी आ रहा पर थक रहा है इसमें पैर वाले में और सेफ्टी वाला भी। वहाँ पर क्या है, वहाँ जाएंगे अपन, वहाँ क्या है? तो गाइस ये है जो इसका मेन स्टेयरिंग है, इससे यहाँ वहाँ होती है नाव, तभी हमको सीधे जाना है। तो जस्ट इसको जो है इसको इस तरह प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो जस्ट अभी इसको चला रहा है, मज़ा भी आ रहा है और ये जैकेट ऊपर हो गई है। सो देख सकते हो तुम्हारा विकास भाई और फिर बोट भी चला रहा, पर धूप होगी, शाम को मज़ा आता होगा ना इसमें, शाम के लिए है पर अपनी ट्रेन है ना इसीलिए अभी मैं दोपहर ही में आ गया, करीब 11-12 बजते होंगे कि ज़्यादा। भैया बता रहे हैं टाइम कितना होगा, 12 बज रहा है। वो उन लोग के पास चल रहे हैं, पूरा घुमा दें, तो घुमाने के बोला शायद अब वापस किया थोड़ा आगे बढ़ा के रोकना है, पहले आगे बढ़ा के रोकना है अभी जस्ट। चलो अभी ना हम लोग जो सामने दरगाह है उधर चलते हैं कोने में, फिर जस्ट दरगाह थोड़ा सा घूमूंगा, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वापस से नाव में। फिर जो ऑटो वाले अंकल हैं वो अभी रुके हुए हैं, तो अपन को एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ना, जहाँ बोलते ताजोज महल भी बना है, मॉल के अंदर ताजोज महल, हर चीज़ है वहाँ विदेशी आइटम में, पर थकाई बहुत लगती है यार इस वाले में यार। और अभी तो पहुँचे भी नहीं हम लोग, तो जस्ट पहुँचते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है, जब तक सिनेमैटिक। तो गाइस फाइनली आ गए हैं हम लोग दरगाह, ये सामने हम लोग के पीछे दरगाह है, तो जस्ट अभी उतरता हूँ फिर सीधे दरगाह में चल के मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस दरगाह पहुँच गए हैं, अब जस्ट बोट अपने पीछे खड़ी हो गई, तो अब सीधे अंदर चलते हैं, थकाई भी बहुत लग गई यार, वो भैया ना चला नहीं रहे, मैं ही चलाया हूँ तो जस्ट थकाई तो लग गई, जस्ट अंदर चलते हैं। तो गाइस दरगाह में आ गए हैं अपन, थकाई जो है ना नेक्स्ट लेवल लग रही है, जस्ट पीछे अपने दरगाह है तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, अभी ब्लॉग फर्स्ट वाला एंड किया हूँ ना तो जस्ट इसीलिए थोड़ा थक गया हूँ, तो जस्ट अभी पूरा सीन ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा भीड़ उड़ नहीं है क्योंकि गर्मी का सीन है ना, तो इधर पर ज़्यादा लोग अभी नहीं आते हैं, पर जितने भी हैं ठीक है, और हालत तो देख के लगती ही होगी ना कि बिल्कुल गर्मी वाला सीन है, पूरा पसीना वसीना हो गया, कोई प्लान नहीं, देखो विदाउट प्लान के मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, उज्जैन भोपाल दरगाह समुद्र, इसके सिनेमैटिक आप लोग को चेक कराता हूँ, ठीक है।
सो गाइस सिनेमैटिक में बस जस्ट थोड़ा ही सा था क्योंकि यहाँ से व्यूज बहुत अच्छा आ रहा था और मैं जो ना बहुत थक गया हूँ, आवाज़ भी लगता होगा और ज़्यादा कुछ खाता भी नहीं हूँ, तो जस्ट इसीलिए। और यहाँ अच्छा लग रहा है, बेहतरीन है, तालाब के बीचों बीच में है, तो जस्ट ये दरगाह है अपना पीछे। जी जी, तो जस्ट अब चलते हैं और अभी चलते हैं अभी। जी हो गया ना, तो जस्ट अभी चलते हैं, वो बोट वाला बुला रहा, ज़्यादा टाइम नहीं लिए ना अपन, 200 दिए हैं, जस्ट अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो जूता उता पहनते हैं, मतलब पैसा दिया ना तो एकदम अमीरों वाली फील आ रही, बोलता है ये जूता उधर है, बैग उधर है, तो जस्ट पहनते हैं अभी। लास्ट व्यू है ये, देख सकते हो आप, जानते हो वो सामने, बिल्कुल सामने वो जो बोट वोट खड़ी है वहाँ जाना है, यानी फटी टूटी बोट डाली है। वो धूम थ्री में जो गाड़ी उड़ाया था ना, तो वो यहाँ आके पड़ गई है, दरगाह निकल गई है। और मैं आप लोग को एक चीज सीन दिखाता हूँ, ठीक। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. अरे भाई बैठ गया, अभी भैया नहीं आए हैं, वो अभी ना आए, हम खोल रहे हैं, वहाँ बांध दिए थे, तो जस्ट अभी निकल। Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm गाइस अब हम लोग दरगाह से निकल गए हैं, ऑपरेट तुम्हारा भाई कर रहा है, जस्ट अभी चलते हैं। उनके पीछे पीछे लगाए भैया, उनके पीछे पीछे, हाँ भैया के जस्ट अब निकल गए हैं। पीछे आप लोग को दिखता होगा तो दरगाह निकल गया है, जस्ट अभी मैं ही चला रहा हूँ बोट को। और व्यू की तो बात ही ना करो यार, कैमरा नहीं है ना, तो बाकी व्यू तो अच्छा ही आता होगा, जस्ट और सिनेमैटिक ये लो चेक करो आप लोग। Clowns, Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो गैस थोड़ा सा रेस्ट लिए हैं हम लोग, थक गए, तो बीचों बीच अभी बोट रुक गई है, ये देखो आप लोग, तो जस्ट 5-10 मिनट ऐसे रुकते हैं, उसके बाद निकालते हैं क्योंकि थक भी बहुत गए हैं यार, पैर में पैडल मारते मारते, समझ रहे हो। सो बोट जो है ना अपने स्टार्ट हो गई है और अब निकालते हैं। अगर घर से लोग और मम्मी लोग आते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, बड़ी बोट करते, अकेले उतना मज़ा नहीं आता ये सब घूमने उमने में, तो ठीक है। पर ठीक है, आप लोग के लिए सूट करने के लिए ज़रूरी था, तो मैं फ़ोन ही से कर रहा हूँ अभी जस्ट, तो अभी व्यू देख लो आप लोग। थोड़ा देर और बचा फिर हम लोग अपने वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर जू सोच रहा हूँ जाने का, पास ही में तो जू चलेंगे। ये ब्लॉग कभी यही आगे तक कंटिन्यू करते हैं, तो अभी मतलब बहुत मज़ा तो आ ही रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब पीछे तो वो निकल गया है दरगाह की, तो चलो अभी कुछ सिनेमैटिक फिर से, उसके बाद पहुँच के वहाँ मिलता हूँ, ठीक है। अब मैं भी बस पहुंचने वाले हैं, वो देखो अपना स्टॉप आगे पर आ गया, तो जस्ट अभी उतरेंगे और ऑटो वाले अंकल वेट कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं अंकल जू चलेंगे, अगर जू नहीं जाएंगे तो सीधे मॉल चलेंगे, फिर देखते हैं जू फिर शायद ही जाएंगे, धूप बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो जू फिर अगले राउंड कभी और आएंगे तो कवर करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Finally आ गए हैं, गिर भी गए हैं, अब ये जैकेट उतारते हैं, भैया लगा रहे हैं अपनी बोट को, जैकेट उतारते हैं, बैग लेते हैं और वहाँ जैकेट जमा करते हैं और जस्ट चलते हैं ऑटो वाले अंकल के पास। तो लास्ट व्यू आप लोग देख लो, तो जस्ट अभी पूरा सीन ये है, अब पैसा वसूल हो गया, थक भी गए हैं, तो जस्ट अब चलते हैं बाहर, ठीक है। Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns.
सो अब निकलते हैं सीधे ऊपर, ऊपर चल के सीधे पूछते हैं ऑटो वाले अंकल से कि अंकल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर सीधे बाहर चला आ गए हैं तो अपने अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ जस्ट यहाँ पे, मतलब एक चीज़ है जो दिखाने लायक है। सिनेमैटिक देखो, अंकल के ऑटो में अब ऑटो सहित चलते हैं, देखते हैं कितना टिकट का पैसा रहता है। तो अपन ऑटो सहित ही सीधे पूरा चलते हैं जू के अंदर।